आज हम छठी कक्षा का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी से लंब गिराओ जो रेखा के लगभग मध्य में दिया हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंब लेने के लिए ए बी रेखा लेंगे। देखिए इसने कहा है कि ए बी रेखा पर दिए बिंदु डी, बाहर को बिंदु दिया हुआ है, ये देखिए बिंदु आ गया डी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो प्रकार खोलेंगे और डी पर प्रकार रखेंगे और यहाँ पे चाप लगा देंगे ए बी रेखा पर, ऐसे यहाँ से हम ऐसे डॉटेड चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये चाप ए बी रेखा को काट रही है इनके हम नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ नाम दे देंगे के और दूसरी साइड हम नाम देंगे आर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, जितनी प्रकार हमने पहले खोल रखी थी हम प्रकार को ज़्यादा कम नहीं करेंगे, इतनी प्रकार खोल के हम आर पर प्रकार रखेंगे, आर पॉइंट पर प्रकार रखे और हमने ऐसे नीचे को चाप लगा दी है। हम क्या करेंगे, इतनी प्रकार जो है वो हम के पर रखेंगे, के पॉइंट पर, और इस चाप को हम ऐसे काट देंगे ऐसे। जहाँ पे ये चाप कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। अब हम क्या करेंगे, सी और डी इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे, अच्छे से फुटा एडजस्ट करेंगे ऐसे, पहले चेक करेंगे फुटा हमारा सही है और फिर हम क्या करेंगे, डी से ए बी रेखा तक, यहाँ तक डी से ए बी रेखा तक हम डार्क लाइन लगाएंगे ऐसे, उसके बाद हम जो लाइन है वो डॉटेड कर देंगे। आपने बड़ा ध्यान रखना है डॉट का डैश का, अभी छठी क्लास नई क्लास है, मैंने पहले भी बताया था आपको बेटा यह इस तरह नहीं लगाना है, यह है डैश, इसकी परिभाषा है कि किसी दूरी को बताता है, और यह है आपके डॉट, ये आपके बिंदु है, ये जो है वो आपकी सहायक रेखाएं है, तो आपने ये बनानी है, ये आपका प्रश्न नंबर 2 है और आपको यहाँ पे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा इसी तरह से बनाना है, मैंने दोनों जगह बताया हुआ है, यहाँ जैसे बना है वैसा ही आपका स्क्रीन पे भी बना है। ये जो आपकी डॉटेड लाइन है इनको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, वैसे आपने इरेजर बहुत कम यूज़ करना है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। देखो प्रश्न में मैंने बिल्कुल भी इरेजर नहीं यूज़ किया है, आपने भी नहीं करना है, और जिस मेथड से मैंने आपको समझाया है ऐसे ही आपने आराम से बनाना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।